दोस्तों आज जो है 29 सितंबर है और जब वॉक करके आए तो मेरी निगाह जो थी अपने टेरेस पर गई जहाँ मॉर्निंग ग्लोरी के फूल दिखाई दे रहे थे। ये वाली बेल जो है पहले मेरी पूरे इस वॉल के ऊपर फैली हुई थी छत में पूरे में। हमारे यहाँ सब बिगड़ने लगे कि तुम तो बिल्कुल जंगल बनाए दे रही हो, तो मैंने वहाँ की कटाई छटाई करके इतने तक ही सीमित रखा है। इस समय सुबह के 8 बज गए हैं और धूप बहुत तेज है। नाश्ता पानी करने के बाद दोस्तों हम टेरेस में आ गए, 10 बज गए थे और इस समय देखिए पोचू इलाका के फूल कितने अच्छे खिले हैं, अब इनको जल्दी ही हटाना है। एक्चुअली में आजकल पानी ना डालो तो पौधों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो कुछ करें ना करें पानी ज़रूर डालना चाहिए। तो इसलिए मैं पानी वगैरह डालने के बाद फिर जो थी नीचे आ गई। आज दोस्तों छत से देखिए क्या लेकर के आए हम। एक्चुअली इस समय बज रहे हैं 11 और छत में बहुत तेज धूप है और चांस की बात मुझे अपनी वाटर लिली पूरी तरीके से खिली दिख गई, तो मैंने इसको तोड़ लिया। मॉर्निंग में जब हम टेरेस में जाते हैं तो ये खिल रही होती हैं, पूरी तरीके से खिली नहीं होती हैं, और जब शाम को जाते हैं तो भी ये जो होता है बंद हो जाती हैं, तो मैं इनको तोड़ नहीं पाती हूँ। मतलब तोड़ते वैसे भी नहीं है, लेकिन आज जो था अभी दोपहर में जब गए समय बज रहे हैं 11 तो बिल्कुल खिली हुई थी, मुझे बहुत सुंदर लगी, तो हमने कहा चलो तोड़ करके इसको अपने नीचे लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये, और साथ में बैगन भी मिल गए छोटे छोटे से। यही बैगन ही तोड़ने गए थे, हमने कहा आज बैगन की सब्जी बना लेते हैं, तो इसका छोटा सा डेकोरेशन करते हैं। तो भाई हम तैयारी करते हैं छोटे से डेकोरेशन की। ये अपने ग्लास निकाल लें, यहाँ से अपने लाफिंग बुद्धा ले लें, इसी से छोटा सा डेकोरेशन करते हैं दोस्तों। पानी डालने से ये जो मेरे लिलीज हैं ये काफ़ी देर तक खिले रहेंगे, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक के हैं। तो वैसे मैं कभी तोड़ती नहीं हूँ टेरेस के फूल वूल, सब ऐसे ही लगे रहते हैं, लेकिन आज मेरा मूड कर ही गया। एक्चुअली पूरे खिले हुए दिख रहे थे, मैंने सोचा शाम तक ख़त्म हो जाएंगे तो कम से कम आज मैं इनको निहार लूँ। ये अपने बैगन को समेट लिया जाए और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, मेरे बैगन जो है ना इस तरीके से इसमें दाग से पड़ रहे हैं। पहले मैं सोच रही थी कीड़ा होगा इसमें, तो बाद में मैंने इसको खुरच के देखा तो ये देखिए ठीक है, ये देखिए। इसके बाद सफाई वाला कार्यक्रम निपटाया, अब दिवाली के से पहले ही सारी सफाइयाँ कर देनी है। नवरात्र में थोड़ा सा ऐसे ही बाहर के प्रोग्रामों में बिजी रहते हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सफाई करते चलें। और जाले वगैरह तो मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ कर लिए थे सारे, तो अब ये ऊपर वाली डस्टिंग है। मतलब मैं ऊपर से सफाई शुरू करती हूँ थोड़ी थोड़ी करके, एक बार में सारी सफाई मुझसे नहीं करते बनता है। जब ऐसा लगता है सारा काम हम ही को करना है तो थोड़ा थोड़ा करते चलो। इसमें लाइटिंग लगी है तो मैंने कहा एक बार जला के ज़रूर देख लें ताकि मेरे डस्टिंग से कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। दोस्तों इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहने से काम थोड़ा हल्का रहता है। अब इसके बाद सफाई वाला कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा मेरे पास, अब मैं पोछा लगा करके फिर नहा धो करके आपसे बात करेंगे। दोस्तों थोड़े थोड़े काम करते रहिए तो इकट्ठा जो होता है काम हो भी जाता है, बोझा भी नहीं पड़ता है। एक बार में करने में बहुत दिक्कत हो जाती है और हमें तो कई बार कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, क्योंकि टेरेस में मेरे पास गार्डनिंग का पूरा काम है, तो बस थोड़ा सा पोछा लगा करके स्टाइल भी मार लिया जाए यहाँ खड़े होकर के आपके सामने। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। दोस्तों नहाना धोना हो गया है, आज देखिए मैंने ये डैंगल्स अपने पहने हुए हैं, बहुत दिनों बाद पहने हुए हैं ये। इधर क्या है, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो रखी रह रही है, जब से लॉकडाउन हुआ है कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यूज नहीं हुआ है, सब ऐसे ही जो है बस सजी हुई रखी हुई है। तो आज मेरा मूड करा कि चलो पहना जाए इसको, तो पहन लिया हमने। लिपिका जी ने शायद बोला था मुल्तानी मिट्टी के लिए, बोला था लगाने के लिए, तो हाँ फ्रेंड्स मुल्तानी मिट्टी जो है हम लगाते थे पहले और वो इफेक्टिव भी थी। देखिए ये जो हम लोग कहते हैं ना घरेलू जो उपचार करते हैं ये फायदेमंद तो होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको आपको रेगुलर करते रहना है। ये है कि उससे जायगा नहीं हल्का हो जाता है,
तो मैं कभी मुझे कोई टोक देता है कि तुम्हारी झाई बहुत ज्यादा दिख रही है, तो मैं जो हूँ कुछ दिन जोश में आके खूब करती हूँ तो वो हल्के हो जाते हैं, लेकिन जोश कितने दिन कायम रहेगा ना, कुछ ही दिन रहता है, तो कुछ दिन जब खत्म हो जाता है जोश तो मैं छोड़ देती हूँ, फिर ये ऐसे ही एज यूजल फिर डार्क हो जाते हैं। सरोजी ने भी हमसे कहा था डोसा बैटर के लिए, तो फ्रेंड्स जरूर शेयर करेंगे। अब जब हम नेक्स्ट टाइम डोसा बैटर भिगोएंगे तब जो है मैं आपके संग शेयर करूंगी उसको, और इसलिए करेंगे क्योंकि जानते हैं कि डेली तो हम डोसा बनाते नहीं है, वही आपसे कहा था 20 days, तो इसी के अबाउट जो आएगा ना तो नेक्स्ट उसमें मेरा शेड्यूल, उसमें मैं आपको डोसा बैटर शुरू से दिखाऊंगी कैसे मैं बनाती हूँ। दोस्तों बनाने जा रहे हैं नान, वो भी तवे पर, मतलब तंदूर वगैरह की जरूरत नहीं है, उसमें बटर नान भी कर सकते हैं, उसको गार्लिक नान भी कर सकते हैं, जैसी इच्छा पड़े उस तरीके से कर सकते हैं। तवा नान बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा लिया है, मतलब बराबर मात्रा में, साथ में इसमें 1/2 चम्मच मैंने चीनी, 1/4 चम्मच जो है बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच ही नमक लिया है। बेकिंग सोडा ही लेना है, ध्यान रखिएगा केवल 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना है। और मैंने 1/2 कटोरी खट्टा वाला दही ले लिया है, बस इन सबको मिक्स करके आपस में मिला देना है और एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर देना है। आप चाहो तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन खाली मैदे का मुझे जो थोड़ा थोड़ा अनहेल्दी लगता है। यहाँ पर मैं 4 चम्मच जो हूँ ऑयल डाल रही हूँ, मतलब 1 कटोरी में 2 चम्मच के हिसाब से, और दही डाल करके इसको अच्छी तरीके से सान लेते हैं। देखिए जो हम लोग ये डालते हैं, दही डालते हैं और ऑयल डालते हैं, इससे जो होता है हमारा जो नान बनेगा ये थोड़ा सॉफ्ट बनेगा और बेकिंग सोडा से स्पंज आएगा, उसमें फूलेगा ये। तो इसको सान करके अच्छी तरीके से थोड़ा सा और इसको मुलायम साने, इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 1/2 आवर के बाद दोस्तों, इसको निकाल करके फिर से एक बार गूंथ लेंगे ये अच्छे से, ताकि ये मतलब बने ये, तो इसको गूंथ लिया जाए। और अब चलिए इसके बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तवे को अच्छी तरीके से देखिए गर्म हो जाने दीजिए, पहले तवे में तेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए। आप जो है ये गार्लिक और धनिया भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको गार्लिक नान चाहिए तो। ऑयल की जगह इसमें जो है हमें पानी यूज़ करना होगा, तो ध्यान रखना कि तवा आपका गर्म होना चाहिए, ऑयल उसमें बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। लोई ले रहे हैं, ये थोड़ी मोटी ले रहे हैं, मतलब जैसे रोटी बनाते हैं रोटी से थोड़ा ज़्यादा मोटी मोटी ले रहे हैं, क्योंकि नान देखते हैं ना हम लोग होटल वगैरह में थोड़ी मोटी मिलती है, तो वही ले रहे हैं। अगर गार्लिक नान खानी है तो आप इस जगह गार्लिक और थोड़ा धनिया वगैरह लगा करके फिर से बेल दीजिए, ताकि ये दोनों चीज़ें चिपक जाएँ अच्छे से। ये अब देखिए जिस साइड हमने धनिया लगाई है उसका उल्टे साइड अपोजिट साइड हमें जो है पानी लगाना है। ये पानी थोड़ी अच्छी मात्रा में लगेगा, ज़्यादा मात्रा में लगेगा, तभी दोस्तों वो नान तवा नान बन पाएगी। ये ध्यान रखिएगा अच्छी मात्रा में, यहाँ गरम गरम तवा है, इसमें मैंने ये पानी लगा हुआ जो हिस्सा था वो मैंने तवे के अंदर डाल दिया, वह तवे की तरफ डाल दिया ताकि वो हिस्सा चिपक जाए जा करके। जिस साइड धनिया और लहसुन लगाया है उस साइड आपको पानी नहीं लगाना है, उसके उल्टे साइड लगाना है। जब आपको थोड़े से फूला फूला दिखने लग जाए इसमें, तो आप इसको जो है इस तरीके से उल्टा करके सेक लीजिए, घुमा घुमा करके सेकिए, हाथ थक जाता है तो मेरा मैं पलट पलट कर देखती जाती हूँ उसको। ये देखिए इस तरीके से अंदाज से कर लेते हैं। तो एक साइड तो देखिए तवे की हीट से गर्म हो गई, ये देखिए फूला फूला दिख रहा है ना, तो इसी को ही जब देखिए दिखने लग गया है तो उल्टा करके सेक लीजिए। देखिए कितना हम पानी डाल लगा रहे हैं इसमें ये, और पानी वाला हिस्सा तवे में चिपका रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से बन जाती है, बहुत आसान होती है, इस तरीके से आप बस सेकते रहिए और बनाइए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और बेकिंग सोडा जो डालते हैं वो थोड़ा सा हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये मेरी बन गई हैं इतनी, और चलिए परस भी लिया जाए, खा भी लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने अपनी पनीर की सब्जी लिया है, ये पनीर की सब्जी दोस्तों बहुत कम तेल में हम बनाते हैं, कभी इसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे। और ये अपनी हमने नान रख दिया है, अब बटर नान तो हमने करी नहीं है, तो हम अपना देसी घी लगा करके देसी घी नान बना ले रहे हैं इसको।
तो बस अब मेरा रेडी हो गया है, तो चलिए मेरे संग। आजकल जो है ना, मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, रात के समय भी, बहुत रात नहीं करते हैं। तो हमारे भी हस्बैंड कहते हैं नहीं खा लिया करो, बहुत रात मत किया करो, अगर हमारी आदत है। और मैंने आदत डाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रात में खा करके सीधे सोना नहीं चाहिए, पहले खा लेना चाहिए। तो मैं 7 बजे तक खा लेती हूँ खाना। तो लीजिए पहला कौर जो है ये आपके लिए है। ये देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये बनाइए, रेसिपी बहुत आसान है। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय।